उज्जैन के हास्य कवि हिमांशु शर्मा बवंडर रियलिटी स्टैंड अप कॉमेडी शो इंडियाज लॉफ्टर चैंपियन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फिनाले एपिसोड रात 9:30 बजे सोनी टीवी पर ऑन एयर होगा। हिमांशु उज्जैन में सुभाष नगर में रहते हैं। बचपन से ही उन्हें कॉमेडी और स्टेज पर एंकरिंग का शौक रहा है। हिमांशु बताते हैं कि यही शौक उनके लिए स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के सफर तक जारी रहा। वे कई नेशनल चैनल पर स्टैंड अप कॉमेडी कर चुके हैं। 2016 में कॉमेडी सुपरस्टार शो में थर्ड रनर रहे थे, तब एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने उनकी तारीफ की थी। 250 से ज्यादा अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में परफॉर्म कर चुके हैं। कवि हरिओम पवार, शैलेश लोढ़ा और कुमार विश्वास के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं। हिमांशु की लव स्टोरी जरा हटकर है। उन्होंने बताया कि वे 2015 में धार में एक प्रोग्राम में परफॉर्म करने गए थे। एक लड़की अपनी माँ के साथ कवि सम्मेलन सुनने आई थी, तब उन्होंने मेरे और मेरे काम की तारीफ की। कुछ दिन बाद उनका नंबर किसी से लेकर उनसे बात करना शुरू कर दिया। इसके एक साल बाद 15 नवंबर 2016 को उन्होंने लव मैरिज कर ली। हिमांशु कहते हैं कि अगर वे बवंडर हैं तो उनकी पत्नी सुनामी है। हिमांशु बचपन से ही स्कूल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। बाद में कॉलेज के दौरान शहर में होने वाले कवि सम्मेलनों में जाने लगे थे। धीरे धीरे शहर में उन्होंने कॉमेडियन की पहचान बना ली। हिमांशु का बचपन गरीबी में बीता। माँ महाराष्ट्र से उज्जैन ले आई। अपने स्ट्रगल का एक किस्सा सुनाते हुए हिमांशु ने बताया, 11 मई 2011 को एक कार्यक्रम के दौरान वे स्टोव की आग से 40% तक झुलस गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि वे जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन तब उन्होंने डॉक्टरों से यही कहा, दर्द हो रहा है, आप एनेस्थीसिया दे दो। लेकिन डॉक्टर एनेस्थीसिया नहीं देते थे। उस दौरान भी डॉक्टर और नर्स को चुटकुले सुनाकर जिंदा रहा। हिमांशु फिलहाल एक हास्य वेब सीरीज लिख रहे हैं। कैमरे बजट यूट्यूब चैनल के नाम पर आने वाली वेब सीरीज जल्द ही फ्लोर पर होगी। हिमांशु ने सब टीवी के शो कॉमेडी सुपरस्टार से छोटे पर्दे पर आने से शुरुआत की। इस शो में प्रदेश से एकमात्र कलाकार चयनित हुए। शेखर सुमन, सोनू सूद, सुष्मिता सेन ने निर्णायक के रूप में उनकी कला को सराहा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं धार गया था जी। ये इसकी मम्मी के साथ आई थी कवि सम्मेलन सुनने के लिए और हमारी शादी हो गई। मेरी एक लाइन है बड़ी वायरल है कि जिधर देखो उधर किससे बीवी के, कोई लाने के लिए रो रहा है, कोई लाके रो रहा है। मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि मुझे कुछ एनेस्थीसिया वगैरह दीजिए, मैं ये इनबियरेबल पेन सहन नहीं कर पा रहा हूँ। और उन्होंने एक बात बोली थी कि फिर तो तू मरी जा, तेरी विल पावर तुझे बचाएगी, मैं अपना काम कर रहा हूँ।